Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing well. I welcome you all once again in the maths online class. In the previous online class, we have done unit 7, and today we will start a new unit, unit 8 geometry. So, students, open your maths copy. So, students, first you write unit number and unit name on a separate page, which is your title page, unit number 8 geometry. On the next page, first you write date. 12 1 2021 Topic Angles Focus Definition Reference Page Number 111 Definition Angles Two rays with a common endpoint make an angle. Point O is called vertex of the angle, and the two rays are called its arm. रे वट इज रे रे स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड कैरीज ऑन फॉर एवर यह हमारे पास रे है एंगल क्या होता है हमारे पास जिसमें हमारे पास टू रेज हो विद अ कॉमन एंड पॉइंट पॉइंट ओ इज कार्ड वर्टिक्स ये पॉइंट ओ जो है ये हमारे पास वर्टिक्स है एंड टू रेज जो ये टू रेज है ये हमारे पास आम इसे कहते हैं एंगल की मेजरिंग के लिए हम प्रोटेक्टर यूज करते हैं इसके थ्रू जो है हम इसकी मेजरमेंट करते हैं और ये प्रोटेक्टर जो है हमारे पास 180 डिग्री की इक्वल होता है टाइप्स ऑफ एंगल्स दे आर आर मैनी टाइप्स ऑफ एंगल्स फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल एंड एंगल मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसकी मेजरिंग 90 डिग्री से कम हुई हो स्कार्ड एंड एक्यूट एंगल जैसे यहाँ पर हमारे पास बस फोर्टी डिग्री का एंगल है तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल है सिक्सटी डिग्री एटी डिग्री ये सब हमारे पास एक्यूट एंगल में आ जाते हैं सेकेंड है राइट एंगल एंड एंगल हुज मेजर इज़ कॉल्ड अ राइट एंगल जिस एंगल की मेजरिंग हमारे पास नाइन्टी डिग्री के इक्वल हो तो वो हमारे पास राइट right एंगल होता है जैसे राइट right एंगल हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है जिसको हम राइट right एंगल कहते हैं थर्ड वन इज़ ऑप्टूस एंगल एंड एंगल हुज मेजर इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 एटी डिग्री इज़ कॉल्ड एन ऑप्टूस एंगल जो एंगल हमारे पास 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम मेजर मेजर हुआ हो वो हमारे पास ऑप्टूज़ एंगल होता है जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल में है वन टेन डिग्री तो ये हमारे पास नाइन्टी डिग्री से ज्यादा और वन एटी डिग्री से कम मेजरिंग इसकी हुई है तो ये हमारे पास ऑब एंगल है फोर्थ वन इज स्ट्रेट एंगल एन एंगल हुन एटी डिग्री हो इस ये वो हमारे पास जो है स्ट्रेट एंगल उसे कहा जाता है जैसे कि प्रोटेक्टर जो मैंने आप लोगों को शो किया है वो हमारे पास टोटल 180 डिग्री का है तो 180 डिग्री एंगल का हमारे पास है तो ये हमारे पास स्ट्रेट एंगल इसको कहते हैं फिफ्थ वन इज़ कंप्लीट एंगल कंप्लीट एंगल कौन सा एंगल होता है एंड एंगल हुज़ मेजर इज़ 360 डिग्री इज़ कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल जो एंगल हमारे पास 360 डिग्री होगा वो हमारे पास कंप्लीट एंगल होगा जैसे कि हमारे पास हाफ जो है वन एटी है तो हाफ और हाफ जो है प्लस इज इक्वल टू फुल सर्कल जो है वो हमारे पास थ्री सिक्सटी डिग्री एंगल का होता है तो उसको हम जो है कंप्लीट एंगल कहते हैं ओके ग्रेड फाइव टुडे वी हैव डन डेडिफिनेशन एंड फाइव टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड वी विल डू द रिमेनिंग टाइप्स ऑफ एंगल्स इन अवर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह डू योर वर्क नीट एंड क्लीन अल्लाह अलाफे